वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल स्पॉटलाइट आई मेकअप लुक। सो लेट्स गो फॉर द वीडियो। सो सबसे पहले आई मेकअप के लिए मैं अपने आईलिड्स पर बेस अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया है जो कि फिट मी का है। आई मेकअप के लिए बेस अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो पफ की हेल्प से मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो अब कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी ट्रांसल्यूशन पाउडर। मैंने यहाँ पे फिट मी का ट्रांसल्यूशन पाउडर लिया है। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे ब्यूटी ग्लेस का शेडो पैलेट लिया है और इस पैलेट से मैं ये लाइट ब्राउन शेड लूँगी और अपने क्रीज पर अप्लाई करूँगी फ्लैपी ब्रश की हेल्प से। शेडो को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक और थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके मैं अप्लाई करूँगी। एक बार मेरे बारे में ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। क्रीज पर शेडो को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं उसी पैलेट से ये शोल्डर डार्क ब्राउन शेड लूँगी और अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी फ्लैपी ब्रश की हेल्प से। ब्राउन शेडो को अपने आउटर कॉर्नर पर ब्रश की हेल्प से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आउटर कॉर्नर पर शेडो को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हर्श लाइन ना रह जाए। अब मैं उसी पैलेट में से डार्क और ब्राउन शेड लूँगी और अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी ब्रश की हेल्प से। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट आई मेकअप कर रही हूँ, तो मैं अपने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डार्क कर लूँगी। अब मैं कंसीलर की हेल्प से अपने आईलिड्स को कट कर लूँगी। मैं यहाँ पे कंसीलर पर कोई पाउडर अप्लाई नहीं करूँगी। फिर मैंने यहाँ पे फेसेस कैनाडा का ये शेडो पैलेट लिया है और उसमें से ये लाइट शिमरी शेड अपने आईलिड्स पर अप्लाई करूँगी जहाँ पे मैं कंसील किया है। अब मैं ब्यूटी ग्लेस के पैलेट से वही डार्क ब्राउन शेड लूँगी और अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी ब्रश की हेल्प से और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये कोई हर्श लाइन ना रहे। सेम मैं अपने इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई करूँगी और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, हर्श लाइन ना रह जाए। बोथ साइड्स के शेडो को ब्रश की हेल्प से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पे लाइनर अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा विंग क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने लैक्मे का आईलाइनर यूज़ किया है। अब मैं अपने लोअर वाटर लाइन पर काजल अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे लैक्मे का काजल लिया है और स्मज ब्रश की हेल्प से स्मज कर लूँगी। अब मैं सेम डार्क ब्राउन शेड अप्लाई करूँगी और स्मज ब्रश की हेल्प से काजल के साथ अपने लोअर लैश लाइन पर बहुत ही अच्छे से स्मज कर लूँगी। अब मैं अपने इनर कॉर्नर और ब्राउन को हाईलाइट कर लूँगी। फिर मैं अपने लैशेज पर मस्कारा यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे फिट मी का मस्कारा यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे आई लैशेज का यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो आई लैशेज यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आई मेकअप लुक कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।